मदीना छोड़ा तो उनकी लाशें भी मदीने कभी नहीं आई। हाय हाय हाय, क्या बात है मियां, वाह वाह। ये बात इस वजह से कर रहा हूँ, हम अमन पसंद हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मगर अगर हमारे उलमा के साथ ये ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाह वाह वाह, जो हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ हुआ है, हाय हाय, सब उनके साथ हैं। लबैक या रसूल अल्लाह, एक मिनट, हर हाल में उनके साथ हैं। और सुनिए, उन्होंने इशारे किनारे में जो भी कुछ कहा गलत नहीं कहा, जिसको तुमने बना लिया है। सुनो जो मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात का जिम्मेदार खुद हूँ। समझ आ रही नहीं आ रही है? उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने जो कुछ कहा, तुमने बड़ा उसको घुमा फिरा के ऐसे वैसे कर दिया, तुमको बड़ी तकलीफ हुई, उन्होंने कहा। और जो तुम कहते रहते हो, ये तुम्हारे जो लोग कहते रहते हैं, सुबह शाम जो बयानबाजी करते रहते हैं, उसमें जिसने दिल्ली में ये कहा था कि गोली मारो सालों को, उसके साथ तुमने क्या किया, उसके साथ क्या किया, ये जो और बकते रहते हैं, इन्हें समझाओ, इन्हें लगाम दो, इन्हें समझाओ, उन्हें बना देना कि तुम ऐसा बोलना नहीं जानते जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना जानते हैं। लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक या रसूल अल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के आईन और कानून के मानने वाले लोग हैं, बेशक मानते रहेंगे हमेशा, बेशक, मगर हमारे आदमी को छोड़ा जाए, बेशक सलमान अजहरी को रिलीज किया जाए, बेशक सलमान अजहरी को छोड़ा जाए, बेशक, और ये बताया जाए सलमान अजहरी अकेला नहीं है, सारे बयान उसके साथ है। लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। बैठ जाइए।